रही बात नंपली हॉस्पिटल से, वैक्सीनेशन लिए, उसमें प्रॉब्लम हुआ। अभी राइट नाउ 21 बच्चों को लेके आए, जिसमें से दो जने क्रिटिकल हैं, और अभी एक बच्चा भी क्रिटिकल था, उसको वेंटिलेटर पे से निकाल दिए। और निलोफर हॉस्पिटल जो है पूरा तैयार है, वेंटिलेटर्स तैयार है, डॉक्टर्स तैयार है। तो ये जो कुछ भी नेग्लिजेंस हुई, गड़बड़ हुई, ये नामपली हॉस्पिटल में। अब वो किससे गलती हुई वो हम बाद में बात करेंगे। आज 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 पहले ये काम है कि बच्चों को बचाना है। अगर से खुदा ना खास्ता कुछ कैजुअलिटी हुई तो जब हम अलग बात करेंगे, और अभी मिस्टेक तो हो चुकी। तो लीगल तरीके से जो भी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, या जो भी स्टाफ नर्स, इन लोगों को बराबर सजा मिला, इनके ऊपर केस बुक खोला, ये जरूरी। तो ये अपन बाद में करेंगे, ये नेक्स्ट प्रोसीजर है। आज मैं बच्चों की हालत पूछने आया, और अल्लाह का लाखा एहसान है, बच्चे अच्छे हैं। अभी 21 को लाए, जिसमें से सिर्फ अभी दो क्रिटिकल है। और पता मेरे को ये चला कि 92 बच्चों की कल वैक्सीनेशन है, और जहाँ जहाँ भी बच्चों की वैक्सीनेशन है उनके एड्रेसेस के ऊपर फोन कर रहे पुलिस वाले कि अगर से आपके बच्चे की तबीयत खुदा ना खास्ता कुछ ख़राब है तो नीलोफर को। तो फिल वक्त नीलोफर तैयार है, पर गलती हुई, और गलती जो भी करे उनको जेल को जाना है, उनकी डिग्री सस्पेंड हो रहा है, उनके सर्टिफिकेट खत्म हो जा रहा है, उन्हें नौकरी से बर्खास्त हो रहा है। ये इंशाल्लाह अपन कल करेंगे, और आज फिल्म वक्त के लिए बच्चों को देखने के लिए फिर उसका रहे। अभी कैसा है बच्चे की तबियत आपकी? तबियत कैसी है बच्चे की? कितने बच्चे हैं नानी? थोड़ा अंदर होता है बंदा, मिक्स में मानू समय अभी घर से ही में बोल रहे हमारे लड़के में बहुत बच्चे हैं।